What's up guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing good. So, आज हम लोग जाने वाले हैं चेंबूर के बाहर. मैं पहुंच गया हूं बांद्रा. मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा क्राफ्ट ऑफ फूड. ये जगह सिचुएटेड है वाटरफील्ड रोड पे बांद्रा में. यहां पर बहुत ही अमेजिंग इंडो वेस्टर्न फूड मिलने वाला है, विच इंक्लूड्स पास्ता एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक्सटीरियर इतना अच्छा है एंड हियर इज द इंटीरियर. अमेजिंग लिटिल कोजी प्लेस. एंड आज मेरे साथ आया है एक नया गेस्ट, मिस्टर इनीत सिंह. कैसा लग रहा है आपको? इनीत सिंह इज माय फ्रेंड एंड हमारे सब्सक्राइबर भी है. इन्होंने बोला था कि चलो यार कभी मुझे भी साथ में लेके चलो, एंड आज इनकी विश पूरी होने वाली है. बिकॉज ही इज़ अ प्योर वेजिटेरियन, तो आज इनीत मेरे साथ ट्राई करने वाला है प्योर वेजिटेरियन फूड. जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग प्लेस. छोटा सा है एंड हमारा खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. आई कैन सी पास्ता, देयर सम नाचोस, देयर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पराठा पिज्ज़ा मुझे लग रहा है ये, एंड देयर सम चाट आइटम्स ऑल्सो. चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स बिगिन द टेस्टिंग. एंड जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग स्प्रेड. फिर से आज हम लोग प्योर वेजिटेरियन स्प्रेड करने वाले हैं, एंड वी हैव बीन इनवाइटेड टू क्राफ्ट अ फूड बाय सौरभ भाई. Hi. How are you? How are you? I'm good. I'm at this place at Waterfield Road, Bandra. Okay. Okay. It's a complete vegetarian restaurant. We also do have vegan dishes also in the menu. Okay. And even Jain dishes. So here I can show you my spread here. Whatever I have placed on the table. This is penne pesto. Penne pesto. With the garlic bread. With the garlic bread. Okay. This is Italian focaccia sandwich. Italian focaccia sandwich. This is nachos with cheese sauce and salsa. This is dahi balla chaat. Dahi balla, okay, dahi nice. Dahi balla, बहुत टाइम के बाद मैं खाने वाला हूँ. This looks like pav bhaji. This is pav bhaji. This is four cheese pav bhaji. Four cheese pav bhaji. Different cheese pav bhaji. So this is lifafa paratha. Lifafa paratha. Yeah, it's multi grain. It has cheese, paneer, exotic vegetables, even Indian vegetables, lot of masala. Okay, so this is half. This is half portion. Acha, so if we order full portion, we get two pieces like this. Two paratha. Two pieces. Okay. Veg exotic pizza. Veg exotic pizza. This is aloo samosa. Regular aloo samosa. Regular aloo samosa. So this is one portion of three pieces? Yes. This is a kathi roll. Roll, we have replicated the egg. Okay, roll is made with roti. Acha. It is wheat. Okay. This is the tawa pulao. Tawa pulao. Juice style tawa pulao? Yes. तो जूस स्टाइल पाव भाजी भी देख ली हमने, तवा पुलाव देख लिया, एंड वी हैव सम पापड़ विद द तवा पुलाव. रायता. रायता, नाइस. दिस इज पेरी पेरी आलू टिक्की बर्गर. पेरी पेरी आलू टिक्की बर्गर. इट कम्स विद पेरी पेरी मेयो, पेरी पेरी फ्राइज, एंड इवन अ सैलेड. दिस इज द लास्ट डिश, मैक एंड चीज पॉपर्स. वी आल्सो सर्व छोले विद अ पूरी. अच्छा, सो वी कैन, द गेस्ट कैन हैव छोले भटूरे और पूरी. Okay, regular small size puri. So these are basically all your dishes. Yes. You have invented all these recipes. With my team. Okay, with your team. Yeah. So we have consulted each other. Okay. Place it on the table for our guest. Great. So चलो भाई अभी हम लोग start करते हैं अपनी tasting, and आप लोग को बताएंगे how is the food. दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, I am definitely sure खाने में मज़ा आने वाला है. So हमारी पूरी team साथ में बैठ के खाने वाली है. आप लोग सोच रहे होंगे ख़त्म कैसे होगा. So चलिए let's begin. So, अब इतना अमेजिंग स्प्रेड मुझे दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ. तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ. छोटे छोटे प्यारे प्यारे साइज के दिख रहे हैं हम लोग को समोसे. लेट्स ट्राई दिस नाउ. अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ छोले के साथ. जस्ट लुक एट दिस छोले. अमेजिंग पंच ऑफ दोस ग्रीन पीस. जो फ्रेश मटर आप खाते हो ना, ग्रीन पीस, उसका टेस्ट अलग होता है. एंड आई एम वेरी ग्लैड इसका टेस्ट आया. दिस इज नॉट फ्रोजन, दिस लुक्स फ्रेश ग्रीन पीस. एंड जो आलू का टेस्ट है, दिस इज समवॉट समवेयर लाइक दिल्ली वाला टेस्ट आ रहा है मुझे, क्योंकि जो मसाले यूजुअली मुंबई में हमें मिलते हैं, ये उससे काफ़ी डिफरेंट है. नॉट टू मच स्पाइसी. सो बांद्रा वालों, आपको डेफिनेटली आके ट्राई करना चाहिए. सो आफ्टर द समोसा आई हैव रेगुलर नाचोस, जो आपको बहुत सी जगहों में मिल जाएगा. बट यहाँ पर डिफरेंट क्या है, सालसा डिप के साथ नाचोस इज ऑल टाइम फेवरेट. उसके अलावा चीज़ डिप भी है. आई डोंट थिंक चीज़ डिप हर जगह मिलता है. That amazing punch of those chili flakes. Mm.
यार ऐसे तो मुझे चखने की याद दिला दी। तो अब मेरे पास है लिफाफा पराठा। सो इसे लिफाफा क्यों बोलते हैं, जस्ट चेक इट आउट। इसकी फिलिंग चेक करेंगे पहले। तो दिस इज़ अ मल्टी ग्रेन वीट यूज्ड एंड इसके अंदर फिलिंग देख लो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एग्जॉटिक वेजीज, ऑनियन दिख रहा है, कैप्सिकम दिख रहा है एंड ऊपर से चीज़ डाली हुई है। लेट्स ट्राई दिस विद कर्ड। सो ये एज सौरभ जी सेड, ये सिंगल पोर्शन है, सॉरी हाफ पोर्शन है। अगर आपको चाहिए ये दो पीस भी मिल सकते हैं। सो द पॉइंट हियर इज कि ये हेल्दी है एंड अगर आपको चाहिए बिना चीज़ के भी आप खा सकते हो। एंड जो जिम वाले हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू चीट, दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द डिश, लिफाफा पराठा, इटालियन फोकाशिया सैंडविच। ये ब्रेड होम ग्रोन है, यहीं पर इन्होंने बनाई है। जस्ट लुक एट दिस एग्जॉटिक वेजीज। सो फॉर मी दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट। साथ में पेस्टो सॉस ही दी गई है, अमेजिंग। ये भी जिम वाले खा सकते, अमेजिंग क्रंच ऑफ दोज एग्जॉटिक वेजीज। सो इफ यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, इटालियन फोकाशिया सैंडविच। सो नाउ आई हैव काठी रोल। तो यहाँ पर चिकन की जगह यूजुअली काठी रोल, अगर आप कहीं पर भी देखो तो चिकन बेस्ड होता है। सो दे हैव डन समथिंग वेरी डिफरेंट, यहाँ पर पनीर यूज़ किया है एंड एक अंदर की जो लेयर होती है, जस्ट लुक एट दिस, एग की जगह में दे हैव यूज ग्रीन चिल्ला यूज़ किया हुआ है। सो काठी रोल अगर आप देखो तो उसमें एग होता है, एग की जो कोटिंग होती है रोटी के ऊपर। दिस इज़ वेरी डिफरेंट, ये मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूँ। दिस इज़ वेरी यूनिक के वेजिटेरियन लोगों को एक वो फील मिलने के लिए काफ़ी इनोवेटिव थिंकिंग है हमारे शेफ की। इसके साथ में आपको जाती है ग्रीन मिंट चटनी। वी हैव इमली खजूर चटनी विद दिस ग्रीन मिंट चटनी एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ दिलखुश सलाद मैं बोलूँगा। इसमें थोड़ा अचार यूज़ किया हुआ है, अचारी टेस्ट है उसका। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ आपको फ्राइज़ भी मिलेंगे। तो फ्राइज़ का यहाँ पर ऐसा है ना, ये आपको बर्गर के साथ मिलते हैं, काठी रोल के साथ मिलते। तो मैं ये ट्राई करने वाला हूँ विद इमली चटनी, ये पहली बार होने वाला है। आई एम ट्राइंग अ रोल विद इमली चटनी, अमेजिंग अमेजिंग। पता है कैसा फील आया जैसे फर्स्ट बाइट लिया ना, ये देखो, I had the taste of those corns and just look at this paneer, काफ़ी बड़े बड़े पनीर के पीस डाले हुए हैं एंड दिस इज़ वेरी यूनिक, मज़ा आ गया। सो यही चीज़ अगर आप गरम गरम खाओगे ना यहाँ पर, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एन्जॉय दिस। लेट्स ट्राई दिस विद ग्रीन मिंट चटनी ऑल्सो। नाउ आई हैव मैक एंड चीज पॉपर्स, ये देखो भाई साहब। ओहो, सो यूजुअली आपने मैक एंड चीज़ पिज़्ज़ा देखा होगा, मैक एंड चीज़ पास्ता देखा होगा। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। सो नीचे अरबियता की सॉस है पूरी एंड दिस, जस्ट लुक एट दिस, फुल चीज़ी चीज़ी। ये आप गरम गरम खाओगे ना, बस खा लेना, याद करोगे। एंड द कॉम्बिनेशन विद द फ्राइज, मजा आए। तो अब ट्राई करते हैं पिज्जा, वेज पिज्जा। एंड पिज्ज़ा अगर खाना है आपको विदाउट ओरिजिनल तो मज़ा आने वाला है नहीं। एंड मैं तो थोड़ा चिली फ्लेक्स भी डालता हूँ, एक्सोटिक वेजीज, मोजरेला चीज़। दिस हैज़ अ वेरी डिफरेंट टेस्ट, आई डोंट नो हाउ। बेबी कॉर्न दिख रहा है, लॉट ऑफ एक्सोटिक वेजीज। दिस रियली टेस्ट वेरी डिफरेंट, क्यों पता है? ये जो नीचे सॉस लगाया है ना, इसका टेस्ट बहुत अलग है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो होम ग्रोन, ये इनकी खुद की रेसिपी है। जो सॉस लगाई सौरभ जी वो आपकी खुद की है? सो जस्ट कन्फर्म विद सौरभ जी, जो सॉस है दैट इज देयर होम ग्रोन, खुद की रेसिपी है उनकी। दैट इज वाई दिस पिज्ज़ा इज टेस्टिंग वेरी डिफरेंट एंड इट्स डिलीशियस, मज़ा आ गया, अमेजिंग, दिल खुश कर देता हूँ। पाव भाजी भी काफ़ी यूनिक है, दिस इज अ फोर चीज़ पाव भाजी। इसमें चार अलग अलग टाइप की चीज़ यूज़ की हुई है, दिस मोजरेला चीज़, पामेजान चीज़, शेडा चीज़ एंड घोड़ा चीज़। ये मेरे लिए बहुत यूनिक होने वाला है, इसके लिए अभी अपन इसके ऊपर पूरा नींबू निचोड़ेंगे ऐसा। यस, पाव भाजी विदाउट लेमन स्क्वीज एंड फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इज डेफिनेटली इनकम्प्लीट। सो
तो अपन उनको इनकम्प्लीट काम करते नहीं, आप लोग को तो पता ही है। ये ऐसा कोई डालता था ना, ऐसे याद है। तो चलिए लेट्स ट्राई 4 चीज़ पाव भाजी। ऊपर दिख रहा है आपको क्या मस्त बटर तैर रहा है। ओ हो 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 हो, अमूल बटर। ये कुछ मेरे साइज का ही बाइट बन गया डेफिनेटली। तो चलो लेट्स टेस्ट दिस। रुक जाओ रुक जाओ। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस देख लो, बांद्रा में आ रहे हो या आसपास रहते हो, ये यहाँ पर आके ज़रूर खा। दिस इज़ बाई फार दी मोस्ट एडिक्टिव एंड बहुत अलग है ये बिकॉज ऑफ द चीज़। एंड जो पाव भाजी भी है ना, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। जस्ट लुक एट दिस, इसमें बिल्कुल भी कलर यूज़ नहीं किया है। वेरी वेरी एकदम यू नो सिंपल पाव भाजी है। एंड उसका जो टेस्ट एनहांस हुआ है, ऊपर नींबू ने छोड़ा है, अपन ने कांदा डाला है एंड दिस चीज़ 4 चीज़। आ हा, मुँह में पानी आ रहा होगा ज़रूर। मैं जब भी आऊँगा ना यहाँ, ये मैं ज़रूर खा के जाऊँगा। तो अब मेरे पास है पेने पास्ता इन पेस्तो एंड क्रीम सॉस, साथ में है गार्लिक ब्रेड, बस आ गई है ब्रोकली, ब्रोकली एंड पास्ता। लेट्स ट्राई दिस। जो भी मैं खाता जा रहा हूँ वो मेरा फेवरेट बनता जा रहा है। अमेजिंग ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ दैट पेने पास्ता इन पेस्तो सॉस। काफ़ी क्रीमी है, बहुत सारे एग्जॉटिक वेजीज है, ब्रोकली है, मशरूम है, बेल पेपर है। ऑल्दो आई एम नॉट अ लवर ऑफ पेस्टो सॉस, बट आज मैंने खाया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड एक बार वापस, आई हैव समथिंग वेरी स्पाइसी, आलू टिक्की इन पेरी पेरी बर्गर। जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग टिक्की साइज, नीचे पेरी पेरी है। तो इसको ना अपन मैकडोनल्ड्स के स्टाइल में खाएंगे बिकॉज इतना बड़ा मुंह खुल नहीं रहा है। दिस कम्स अबव दिस, अपने को जो टेस्ट करनी है टिक्की एंड दैट फिलिंग। लुक एट दिस टिक्की फिलिंग, देखो इसकी। काफ़ी यूनिक स्पाइसेस यूज किए हुए हैं दिस टिक्की, इट्स नॉट टू मच स्पाइसी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस जेन बर्गर्स भी अवेलेबल है एंड दिस इज पेरी पेरी आलू टिक्की। इसके अलावा रेगुलर आलू टिक्की भी अवेलेबल है, पनीर की टिक्की भी अवेलेबल है, पनीर बर्गर आई मीन। साथ में आपको सेम प्राइस भी मिलेगा, पॉकेट फ्रेंडली है। 170 रुपीज फॉर दिस बर्गर एंड दिस पोर्शन ऑफ राइस, नॉट बैड एट ऑल। नाउ आई हैव तवा पुलाव। तवा पुलाव में जस्ट लुक एट दिस, इंग्रेडिएंट्स देखो एक बार। यू कैन सी डीप फ्राइड पोटैटोस, फ्रेंच बीन्स है, दिस कैप्सिकम, दिस ग्रीन पीस, दिस कॉलीफ्लावर। मतलब एक परफेक्ट तवा पुलाव अगर आपको खाना है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। आई लव द टेस्ट ऑफ दोज वेजिटेबल्स एंड ऊपर से कैरमलाइज ऑनियन डाला हुआ है, उसका भी अलग ही पंच है। पापड़ आपको साथ में मिलेगा। दिस इज गोड कैरी एंड ये वाला मैं सौरभ जी को ही बोलने वाला हूँ, मुझे पार्सल तो मैं घर पे लेके जाने वाला हूँ। आई लव दिस अचार। उसके साथ में आपको मिलने वाला है कचुम्बर एंड सम, लेट्स ट्राई दिस विद कचुम्बर आल्सो। मैंने तवा पुलाव बहुत रेयर ऐसे खाया है जहाँ पर आपको यू नो वेजिटेबल्स डीप फ्राइड मिल रहे हैं। दिस इज पोटैटो, इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। अगर आप एक पुलाव लवर हो, चाइनीज नहीं खाना आपको, यू नीड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, दिस इज दैट डिश, वेज तवा पुलाव। इतने सारे वेजिटेबल्स है कि आपको ये डेफिनेटली पसंद आने वाला है। एंड डोंट मिस द अचार, गोड कैरी अचार। तो भैया एंड में है मेरे पास दही भल्ला पापड़ी चाट। जब हम आए थे ना, ये सबसे पहली डिश बनी थी और हम इसको खा रहे हैं लास्ट में। लेट्स ट्राई दही भल्ला पापड़ी चाट। सो दही भल्ला के अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी चाट आइटम्स मिलने वाली है। दिस समोसा चाट, दिस पापड़ी चाट,
बहुत सारी चाट्स मिलेगी, मेनू ज़रूर चेक करना। करंटली आई एम ट्राइंग दही बल्ला पापड़ी चाट। थोड़ी इमली चटनी में ट्राई करता हूँ। मतलब से आपको इमली चटनी मिलती है, ग्रीन मिर्च चटनी मिलती है, दही बल्ला में ना एक ही चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दही बल्ला सॉफ्ट होना चाहिए। और तो हम लोग आए थे तब ये बन चुका था, दही बल्ला अब तक सॉफ्ट है। जो ऊपर से आपको दिख रहा होगा, दस ग्राउंड नट, दस मूंग की दाल, ऊपर से अनारदाना डाला है, रेगुलर ग्राउंड नट भी है, मसाले वाला ग्राउंड नट भी है। सो काफ़ी यूनिक टेस्ट है। इमली चटनी के साथ ना काफ़ी टेस्ट एनहांस हो गया इसका। इमली चटनी आजकल बहुत कम जगहों में आपको मिलेगी, ऑथेंटिक इमली चटनी जो होती है ना, एंड यहाँ पर बनाई हुई है, ऐसा नहीं कि रेडीमेड ली है। अगर खुद कुछ बनाओ और रेडीमेड लो ना, बहुत फ़र्क होता है उसमें। दिस थिंग इज अमेजिंग, मज़ा आ गया। सो वी आर गोइंग टू एंड दिस ऑन अ स्वीट डेकेडेंट नोट इन क्राफ्ट ऑफ फूड विथ चॉकलेट ब्राउनी मिल्क शेक। अमेजिंग। वेजिटेरियन लवर्स के लिए दिस प्लेस इज रियली अमेजिंग। अगर आप बांद्रा में हो या बांद्रा के आसपास हो, देयर इज नो पार्किंग इशू, वाटरफील्ड रोड पे सिचुएटेड है क्राफ्ट ऑफ फूड। लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो एज यूजुअल, अगर आप हमारे वीडियो की रेफरेंस देके जा रहे हो, यू गेटिंग अ 10% डिस्काउंट ऑलरेडी। द प्राइजेस आर वेरी नॉमिनल, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, खाना बहुत अमेजिंग है, बिकॉज शेफ खुद बनाते हैं, उनकी खुद की रेसिपीज है। यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट एनी रेस्टोरेंट इज़ के ओनर किचन के अंदर जाता है, खुद बनाता है, इज़ द फाउंडर ऑफ द प्लेस, ऑल्सो अ वेरी रेनाउंड शेफ। तो अभी हम करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म। अपार्ट फ्रॉम दिस मिल्क शेक्स, बहुत सारी वैरायटी है इसमें, दिस डेजर्ट्स, कुकीज, सम केक्स ऑल्सो, एंड यहाँ पर ये देखो आप, दिस इज़ कॉफ़ी बीन। यहाँ पर आपको बहुत ही ऑथेंटिक स्टाइल्ड कॉफ़ी एंड टी मिलेगी। यूजुअली आप देखोगे आपको पाउडर यूज़ किया होगा हर होटल्स में एंड रेस्टोरेंट में, यहाँ पर इन्होंने मशीन रखी हुई है जहाँ पर कॉफ़ी बीन ऑन द स्पॉट एक्सट्रैक्ट करती है एंड फिल्टर कॉफ़ी बनती है, रेगुलर एस्प्रेसो बनती है, विच इज़ वेरी यूनिक। तो अगर आप यहाँ पर आसपास में हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, यू वांट टू चिल आउट विद योर फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू कम एज अ कपल, बहुत अच्छी जगह है। यू कैन एंजॉय द ड्रिंक्स, यू कैन एंजॉय द फूड। मेरी लिस्ट में ऐड से पाव भाजी इज़ ऑन द टॉप, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैक एंड चीज़ पर्पस बहुत अच्छे लगे मुझे, लिफाफा पराठा बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक था वो, अगर आप उसको पनीर में खाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। पिज्ज़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। सबके सबसे बेस्ट चीज़ ना मुझे क्या लगी, रेट्स जो है बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। सो या इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट, डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस है, सब कुछ नीचे मैंशनड है। मैं अपने ड्रिंक ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे हम अगली बार इन डिफरेंट लोकेशन विद सम डिफरेंट फूड। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।